नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झांसी में आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर झांसी की पुलिस लाइन में उतरेगा, जहाँ से वो झांसी के सर्किट हाउस पहुँचेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जहाँ पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही झांसी बुंदेलखंड कावड़ यात्रा में शामिल होंगे। इटावा के महेवा बीआरसी में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद का बीआरसी कैंपस में लगे हरे पेड़ काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 14 अगस्त का बताया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर बीएसए ने जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना सहित उसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी साउथ एके सिंह ने बताया कि पिछले 2 साल से नकली नोट छापने का धंधा कर रहे इस गिरोह को पकड़ने के लिए कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था। आज थाना गगहा पुलिस को एक ऐसे गिरोह को ब्रेक करने में सफलता मिली है, जो कुछ नकली नोटों से संबंधित कारोबार करता है। ये नकली नोट छापते भी हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। थाना गगहा के उप निरीक्षक अनित राय को एक सूचना मिली इस तरह के गैंग के बारे में, जिसके आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति को हाटा बाजार से गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दरअसल यहां खनन माफिया ने चौकी इंचार्ज को भद्दी भद्दी गालियां देकर जूते से पीटने की धमकी दी थी। धमकी की खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था, जिस पर एसपी विकास कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विभिन्न टीवी चैनल्स एवं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आईटीआई चौकी इंचार्ज थाना कादरी गेट के साथ कुछ युवकों के द्वारा अवैध व्यवहार किया जा रहा है, जिसको संज्ञान में लिया गया। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रायबरेली के बेहीखोर गौशाला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गौशाला की अव्यवस्थाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौशाला में आवारा जानवरों की स्थिति ये बना दी गई है कि न तो चारा दिया जा रहा है और न ही उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन मामलों को उच्च अधिकारी संज्ञान में नहीं लेते, या फिर संज्ञान में होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल गौशाला की जमीन का गलत चयन होने से ग्राम सभा के लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि जमीन चयन के दौरान इस बात को दरकिनार किया गया कि वहां तक बाढ़ का पानी आता है कि नहीं। नतीजा ये निकला कि चयनित भूमि जलमग्न हो गई। यही नहीं, चयनित भूमि के सामने बने गौवंश आश्रय स्थल भी जलमग्न हो गया, जिससे वहां बंधे मवेशियों की हालत बेहद खराब है। महोबा के ग्राम सूपा में बुजुर्ग का शव तालाब में मिलने से हरकंप मच गया। लोगों के मुताबिक मृतक को कम दिखाई देता था। बीती रात वो शौच के लिए तालाब के पास गए थे। इस दौरान वो असंतुलित होकर तालाब में गिर गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महोबा के विशाल नगर में पूजा नामक युवती कस्बे में ही स्थित पहाड़ पर घास काटने गई थी। इसी दौरान पहाड़ की मिट्टी खिसक जाने से वो असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही मृतका के परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद है। दरअसल दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित परिवार को बेरहमी से पीटा। मारपीट में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोप है कि सुबह हुए विवाद की पुलिस में शिकायत करने से दबंग भड़क गए थे। मामला नयापुरा वंधान वार्ड मोहल्ले का है। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली नदी के रपटे पर तेज बहाव के कारण पलट गई। हादसे में महिला बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि सहारनपुर में गोगावीर का ऐतिहासिक मेला लगता है। मेले से पहले कंधूरी की एक रस्म होती है, जिसको चाप कहते हैं।
इस रस्म को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव-गांव घूमती है। इसी रस्म के दौरान ये हादसा हो गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।